जब मैंने बच्चों की डेड बॉडी देखी देखी नहीं जा रही थी। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो माँ बाप खुशियाँ मनाता है, और जब आज के दिन ये बच्चा जाता है, आप जिन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं ये लोग रोएंगे नहीं, आदमी ये रोएगा कैसे, लेकिन आप जब अंदर इसकी माँ के पास जाओगे तो आपको दिखेगा। जरूरी सवाल ये है कि आज के बाद फिर कोई हादसा होगा तो क्या होगा? मुझे लगता है मेरे पास आज ज़्यादा बोलने को कुछ है नहीं। मतलब सवाल तो है ना, प्रशासन से भी है, बच्चों के माँ बाप से भी है, स्कूल से भी है, और हर उस आदमी से है जो बच्चों के भविष्य के निर्माण में जुड़ा हुआ है। मैं जब सुबह गया हॉस्पिटल और जब मैंने बच्चों की डेड बॉडी देखी नहीं जा रही थी। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो माँ बाप खुशियाँ मनाता है, और जब आज के दिन ये बच्चा जाता है, आप जिन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं ये लोग रोएंगे नहीं, आदमी ये रोएगा कैसे, लेकिन आप जब अंदर इसकी माँ के पास जाओगे तो आपको दिखेगा। और आज के हादसे से ये नहीं होता, हमने तो चलो खो दिया अपना बच्चा। ज़रूरी सवाल ये है कि आज के बाद फिर कोई हादसा होगा तो क्या होगा? किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? हर आदमी जिम्मेदार है। जब माँ बाप स्कूल में जाते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल की पॉलिसी क्या है, किस तरह से स्कूल अपने आप को चला रहा है। जब वहाँ के लोकल प्रशासन है उनको देखना चाहिए कि वहाँ पे हर तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अभी कहने को सब हाथ जोड़ने के लिए और सब नमन करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन क्या कल के बाद वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे? फिलहाल जो सरकार है, आने वाली जो सरकार है, क्या कोई इस चीज़ पर ध्यान देगी? अगर ये हादसा फिर होता है पूरे भारत में कहीं भी, सबसे ज़रूरी सवाल माँ बाप के ऊपर है, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। अगर ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होती है ना तो बहुत बड़ा सवाल बनता है। इस चीज़ से हमें सीख लेनी चाहिए। हमने अपना बच्चा खो दिया, ठीक है सब्र कर लेंगे, लेकिन अब सेफ्टी की वजह से किसी को अपना बच्चा खोना पड़ा वो बहुत बड़ी बात रहेगी। ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए, हर उस यूट्यूबर तक पहुंचनी चाहिए, आप मीडिया कर्मियों के थ्रू द्वारा हर माँ बाप, हर स्कूल के आदमी, हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। बस मेरी यही विनती है कि ये इस तरह का हादसा भविष्य में दोबारा ना हो। मेरा नाम परवेश राजपूत है और मैं धनौंदा से हूँ, और जिन बच्चों को हमने खोया है मैं उसके परिवार का सदस्य हूँ।